आज के इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप DELED 2018-20 या 19-21 सेशन का डमी एडमिट कार्ड निकालना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आज के इस वीडियो की मदद से आप डमी एडमिट कार्ड सेशन 18-20 या सेशन 19-21 किसी भी सेशन का 18-20 वाले का सेकेंड ईयर का और 19-21 वाले का फर्स्ट ईयर का डमी एडमिट कार्ड आप ऑनलाइन बिना अपने कॉलेज जाए ऑनलाइन निकाल सकते हैं। आज के इस वीडियो में बताएंगे कैसे निकाल पाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आपको अपने फोन पे मिलता रहे। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके लिए आपको जाना होगा biharboard.online की वेबसाइट पे। जैसे आप इस पे आते हैं और यहाँ पे एक डाउनलोड का सेक्शन है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा व्यू प्रिंट डमी एडमिट कार्ड 2020 DELED फर्स्ट ईयर 2019-2021 सेकेंड ईयर 18 और 20। इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपका जो कॉलेज कोड होगा वो कॉलेज कोड आपको यहाँ पे इंटर कर देना होगा। तो चलिए यहाँ पे कॉलेज कोड इंटर करते हैं। जैसे आप यहाँ पे कॉलेज कोड इंटर कर, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ इस तरह का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। पहला जो शुरू का 5 अक्षर ये आपका इस कॉलेज का कोड हो गया, उसके अंतिम का जो 5 अक्षर ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको ये पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इसमें फिलअप करना होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉलेज कोड के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे यहाँ पे शुरू में 11 है तो इसको 12 कर देंगे, अगर आपका शुरू में 18 है तो उसको 19 कर देंगे, 20 है तो 21 कर देंगे। कॉलेज कोड के बाद जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पंजीकरण संख्या, जैसे मेरा ये पंजीकरण संख्या है, शुरू का 5 अक्षर ये कॉलेज कोड है और शुरू का 5 अक्षर ये हमारा रजिस्ट्रेशन संख्या है। तो ये टोटल रजिस्ट्रेशन संख्या हमको लिखना होगा। लेकिन हमारा रजिस्ट्रेशन संख्या का शुरू का जो यहाँ पे 2 अक्षर जैसे 11 दिया गया है, 11 के बदले हम यहाँ पे हम 12 लिख सकते हैं। अगर आपका 15 है तो 15 के बदले में आप 16 लिख सकते हैं। मतलब कि यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर का जो 5 अक्षर, इसमें से पहला अक्षर छोड़ के दूसरा अक्षर में जो है उसको 1 बढ़ा देना है। जैसे 11 है तो उसको 12 कर देना है। मान लीजिए यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 21 कर देंगे। तो इसी तरह यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। तो यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, पहले कॉलेज का कोड दे दी जो रजिस्ट्रेशन नंबर में है, उसके बाद जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 18010 है। तो 18010 है तो यहाँ पे 8 को हम 9 कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, देखिए मेरा रजिस्ट्रेशन संख्या जो है वो 43802 और 18010 है। तो यहाँ पे हम 19010 कर देंगे। तो सिंपली समझ लीजिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन संख्या है, रजिस्ट्रेशन संख्या के बाद जो आपका 5 अक्षर है उसमें पहला अक्षर छोड़ के दूसरा अक्षर जो है, जैसे दूसरा अक्षर में आपको 2 है तो उसको 3 कर देना है। मेरा दूसरा अक्षर में 8 था तो मैं उसको 9 कर दिया। जो भी हो वो आप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे इंटर करेंगे। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले इंटर कर लेते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे पूछ रहा है प्लीज सेलेक्ट सेमेस्टर ईयर, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आप है तो फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करेंगे, सेकंड ईयर में तो सेकंड ईयर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे चलिए फर्स्ट ईयर को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो डमी एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया, वो दे दिया गया। उसके लिए यहाँ पे प्रिंट करने के लिए कह रहा है तो यहाँ पे ओके बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारा डमी एडमिट कार्ड आ चुका है। इसमें हमारी जो जानकारी इनकी वो जानकारी को जांच लेंगे। अगर जानकारी सही है तो ठीक है, अगर किसी प्रकार का जानकारी गलत है उसको आप कॉलेज से जाके सुधार करवा सकते हैं। सुधार आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, ऑनलाइन अपना डमी एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, लेकिन आपको सुधार करने के लिए आपको अपने कॉलेज में ही जाना होगा। और यहाँ पे एग्जाम भी डेट भी दिया गया है 24/7/2020, यानी कि 24 जुलाई को एग्जाम का डेट भी जारी कर दिया गया है। इसी तरह आप DELED 18-20 या 19-21 का डमी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।